इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी, एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था।